टाइम नहीं कर पाए लेकिन फिर भी चौका मिलेगा। इस बार इंतजार कर रहे थे इन स्विंग का और बैक टू बैक बाउंड्रीज एरन फिंच द्वारा 11 बिना किसी नुकसान के स्टेप आउट करके बटोरेंगे चौका। खूबसूरत शॉट देवदत्त पड़ेगल, शानदार छक्का, अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स। कैच की मांग की है अभी करने के लिए, स्वीप शॉट स्पॉट पिक करके सामने बाएं हाथ का स्पिनर देवदत्त पड़ेगल फायदा उठाते हुए। पैच पे फ्लिक बहुत जबरदस्त लगाते हैं पड़ेगल, एक बार फिर से उसका उदाहरण। 40 रन पर प्ले में एक विकेट गवाए चहलकदमी मिचेल सैंड खेलेंगे शायद, मन बनाया जरूर था लेकिन कैच देखिए। इस पे देवदत्त पड़ेगल वापस 46-2। ये ताकत है एबी डिविलियर्स की कि अगर चौका ढूंढना भी है तो कम जोखिम के साथ एस्कॉर्ट करके आए इमरान ताहिर बाउंड्री तक। शॉर्ट पिच गेंद इस विकेट पे नहीं चलेगी, सामने एबी डिविलियर्स हो तो 72-10 के बाद। इसमें ताकत भी है और ये गैप में भी है, वेलकम बाउंड्री। बढ़िया कदमों का इस्तेमाल विराट कोहली द्वारा, सटाकेदार स्ट्रोक, 4 रन। सिर्फ दिशा दिखानी थी एबी डिविलियर्स ने। ये कदमों का इस्तेमाल, हवाई फायर और बॉल ये स्टेडियम के बाहर, वाह भाई वाह। गेंद हवा में है, पीछे नीचे फील्डर और पकड़ लिया कैच। आरसीबी को तीसरा झटका दिया है। 39 पर आउट, 128 पर 3। ये शॉट उतना बेहतर नहीं कि कुछ देकर जाए, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद, मिचेल सैंटनर ने पकड़ा कैच और मोइन अली। नो बॉल यानी कि फ्री हिट और खिलाड़ी आज सिर्फ जर्सी का रंग ही नहीं है, खिलाड़ी भी है एवरग्रीन। और ये शॉट नहीं, कमाल का कैच। कोहली 50 रन करके आउट हुए हैं 138 पर 5। दीपक चाहर 2 रन करके आउट, क्रिस मॉरिस 139 पर 6। ये बढ़िया शॉट है, इनसाइड आउट ओवर कवर्स, बड़ी बाउंड्री है जरूर, फैब भागे पीछे लेकिन रोकने में असमर्थ। एक और ये अच्छी गेंद थी, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया था विराट कोहली ने, अर्धशतक खुद जड़ा और टीम ने बनाए हैं 145 6 विकेट के नुकसान पर 1-4-5-6 20 ओवर के बाद। फैफ डुप्लेसी 12 मैच 376 रन। निकल गई ये गेंद, बहुत पैरों पर थी, मिल गया चौका, आरी का पहला। इस बार हवाई फायर किया और 4 के बाद 6 लगाया फैफ डुप्लेसी ने, 6 के साथ दूसरे ओवर को किया समाप्त 14 बिना किसी नुकसान सीएसके। इस बार भी है बढ़िया शॉट, कदमों का अच्छा इस्तेमाल और बाउंड्री पार एक बार फिर, इस बार ऋतुराज गायकवाड़। एक बार फिर कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, एक बार फिर बटोरा है चौका। एक की मांग और डायरेक्ट हिट लगी तो काम तमाम था। ये एक और अद्भुत शॉट, बॉल शॉट जरूर थी लेकिन गई है बहुत लॉन्ग, देकर गई एक और छक्का फैफ को। दायरे के ऊपर से मारने की कोशिश है, पीछे भागते हुए मोहम्मद सिराज कंट्रीब्यूशन गेंद के साथ नहीं तो फील्ड में। फैफ टू किसी 25 के स्कोर पे वापस 46 पे, पहली सफलता आरसीबी के लिए। कमाल का शॉट, 5 रन आए थे मोइन अली के पहले ओवर में। चहलकदमी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चांस लिया लेकिन एकदम सीधा।
तो भारी किनारा, कितनी गति है, क्या चेज पूरी कर पाएंगे यूजी चहल, लंबी चेज थकाते हुए फील्डर को चार। इतना शॉट अगर गेंदबाजी करेंगे तो नतीजा यही होगा। इस समय तो अंबाती रायडू कड़ाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर आए गेंदबाजी करने के लिए और पहली गेंद पे स्वीप स्क्वायर के ऊपर से। ये कहीं बेहतर, लाइन बढ़िया, लेंथ थोड़ी ऊपर, प्रयास भी बढ़िया था क्रिस मॉरिस का, पर रोक नहीं पाए। कड़ाकेदार स्ट्रोक अंबाती रायडू द्वारा और उसी छक्के के साथ 100 रन पूरे, 105 में एक चिनाई। तू मेहनत करता जा, वक्त तेरे लिए खुद को बदलेगा। पहला अर्धशतक ड्रीम 11 आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ के बैट से। छोटा गेंद और उसका पूरा पूरा फायदा उठाया, गैप में कड़ाकेदार पुल। एक बार फिर से लगाए, एक बार फिर से वही नतीजा, दो बैक टू बैक बाउंड्रीज धोनी के बल्ले से। पहली बल्ला घुमा जरूर है हाथ में थोड़ा सा, लेकिन फील्डर है ही नहीं तो फर्क नहीं पड़ता। चार और रन आ गए, 6 रन दूर चेन्नई सुपर किंग्स। खूबसूरत शॉट यहां पे ऋतुराज गायकवाड़ का और मिलेगा चौका। 2 रन दूर है आज, बहुत बढ़िया अंदाज से इन्होंने बल्लेबाजी की है। पुल शॉट और छक्के के साथ मुकाबला जिताया ऋतुराज गायकवाड़। चेन्नई सुपर किंग्स यह मुकाबला 8 विकेटों से जीती और 2 बहुमूल्य पॉइंट्स टेबल पे दर्ज किए। विराट कोहली के बल्ले से निकले 50, डिविलियर्स के बल्ले से निकले 39, 145 रन आरसीबी ने बनाए थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से 65 रन नाबाद बने और फैफ डुप्लेसी का योगदान था, बाटी रायडू का योगदान था, 150 2 विकेट के नुकसान पे।